एक्ट्रेस निशा रावल और करण मेहरा की निजी जिंदगी बहुत नाजुक स्थिति में चल रही है। करण और निशा का झगड़ा काफी बढ़ गया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने करण को अरेस्ट किया। अगले दिन करण को जमानत मिल गई। करण का दावा है कि उनकी पत्नी निशा ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि अब इस पर श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली ने रिएक्ट किया है। आपको बता दें कि निशा और करण के बीच हो रही अनबन पर बात करते हुए अभिनव ने कहा कि इस कपल के बीच क्या हो रहा है इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अब निशा को यह समझना होगा कि एक कपल के तौर पर उनके और करण के बीच में लाखों समस्याएं हों, लेकिन एक पिता अपने बेटे को कभी दुख नहीं पहुंचा सकता है। अभिनव का कहना है कि आज के टाइम पर जो महिलाओं के लिए लॉ बने हुए हैं उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है। मेरी पत्नी श्वेता तिवारी काम से साउथ अफ्रीका गई हैं तो उस बच्चे का देख रेख उसके पापा को देना चाहिए, लेकिन उसके देख रेख एक सर्वेंट कर रही है। जी हाँ, 365 दिन में से भी मैं अपने बच्चे रियान से सिर्फ 35 दिन ही मिल पाया हूँ। मुझे दुख होता है कि ऐसे पैंडेमिक में जब बच्चों को कोरोना हो रहा है आप मेरे बच्चे के साथ नहीं हो बल्कि आप साउथ अफ्रीका में हो। मुझे पता नहीं है कि मेरा बच्चा किसके साथ सो रहा है, आपके पास कौन है। अभिनव ने इंटरव्यू में बताया कि मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, मेरे पास सबूत है और मैंने कोर्ट में भी दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे केस में इंडिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है और मुझे डर लगता है कि जब ऐसी घटनाएं किसी और के साथ होती है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पति पत्नी के झगड़े में बच्चे को नुकसान होता है। बस यही कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई रियांश के साथ वो कहीं काविश के साथ ना हो जाए। बता दें कि श्वेता तिवारी भी इन दिनों कई वजहों से चर्चा में छाई हुई हैं। अब उनके पति अभिनव कोहली सामने आए हैं और उन्होंने भी निशा रावल और करण मेहरा के विवाद पर अपनी टिप्पणी दी है, अपनी राय दी है। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।